Hello everyone. So welcome to another day of kinematics. हम लोगों ने कल चर्चा कर ली थी अबाउट द ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल मोशन कि एक्स टी ग्राफ होगा, वी टी ग्राफ होगा और ए टी ग्राफ होगा. तो हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, हम लोग कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड टाइम ग्राफ. तो वी हैव डन टिल दिस पॉइंट. Now we're going to end up today the motion in a straight line. हमारा आज का पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, दैट इज मोशन इन द स्ट्रेट लाइन. इसमें कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हम लोगों ने किए हैं, बट स्टिल वी गोना टॉक अबाउट दैट एंड विल ट्राई टू कंपाइन दिस टॉपिक विद ग्राफिकल एनालिसिस. हम इस टॉपिक को ग्राफिकल एनालिसिस के साथ में कंबाइन या क्लब करके देखेंगे कैसा होगा. चलो तो आज एग्जाम्पल नंबर वन देखते हैं पहले. सपोज ऑन द ग्राउंड कल एग्जाम्पल लिया हुआ था हमने ऑलरेडी, हमारा फिर से दे रहे हैं. वी हैव थ्रोन द बॉल विद द स्पीड ऑफ 40 meter per second. तो हमको पहली चीज निकालनी थी इसका एक्स टी ग्राफ, सेकेंड चीज इसका निकालना था वी टी ग्राफ, तीसरा इसका निकालना था ए टी ग्राफ. हमको इसका एक्स टी, वी टी और ए टी तीनों ग्राफ निकालने थे. सो हाउ वी गोना फाइंड आउट द एक्स टी, वी टी एंड ए टी ग्राफ, ये पहला सवाल. अब ग्राफ निकालने के लिए आपको सारी चीज़ें बोर्ड पर दी हुई हैं, आप लोग खुद से एक बार स्क्रीन पॉज करके सॉल्व कर लो एंड देन कंटिन्यू फ्रॉम हियर. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज हमको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि जब बॉल ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड विच विल अपोज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज गोना बी जीरो. वहां तक पहुंचते पहुंचते पार्टिकल ने एक मैक्सिमम हाइट कवर किया होगा जिसके लिए पार्टिकल को टी सेकेंड लगे होंगे. तो अभी हमको वो निकालना है कि एच मैक्स कितना हुआ, व्हाट वाज द एच मैक्स एंड व्हाट वाज द टी सेकेंड दैट वी हैव बीन यूजिंग. सो फर्स्ट पॉइंट इज वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच मैक्स. वी आर यूजिंग वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस. फाइनल वेलोसिटी वाज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वाज 40, दैट इज गोना बी 1600 माइनस 20 इनटू एस. तो मेरे लिए एस की वैल्यू कितनी आ गई, 80 meters. दैट मीन्स द पार्टिकल मैक्सिमम विल ट्रेवल अप टू हाइट ऑफ 80 meters. कल का ही एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने. सेकेंड वी गोना यूज वी इज इक्वल्स टू यू प्लस 80. आपके पास में एस निकल गया है तो आप एस बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर भी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. फाइनल वेलोसिटी सर जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 40 माइनस 10 इंटू टी. तो मेरे लिए टी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4 सेकेंड. मतलब 4 सेकेंड तक का पार्टिकल ऊपर गया होगा. तो पहला ग्राफ निकाल लो, उसका जो ग्राफ आएगा दैट इज एक्स टी, सेकेंड ग्राफ इज नथिंग बट वी टी एंड द थर्ड ग्राफ इज नथिंग बट ए टी. तो एक्स टी, वी टी और ए टी ग्राफ, तीन ग्राफ हमारे पास में थे, हमको तीनों ग्राफ की स्टडी करनी थी. तो हम लोग कैसे करें सर, एक्स टी ग्राफ में हमको पता था कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है. एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब पार्टिकल का जो मैक्सिमम हाइट है वो कहाँ तक पहुँचने वाला है, वो पहुँचने वाला है 80 meters तक. ऐसे मतलब पार्टिकल स्टार्ट तो सर ओरिजिन से हुआ था और एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब पानी ढुलता हुआ पैराबोला. सो पानी ढुलता हुआ कब आएगा, व्हेन द एक्सेलरेशन वाज नेगेटिव. सो पानी ढुलता हुआ पैराबोला एंड बिकॉज द एक्सेलरेशन वाज नेगेटिव 9.8 meter per second square. बराबर, अच्छा वी बराबर यू प्लस 80. तो वेलोसिटी तो कितनी आ गई, जीरो, 4 सेकेंड. मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो चली वो कितना चली थी, 40 meter per second. 4 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी वॉज जीरो. सो द ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन, ग्राफ डिक्रीज होकर के नीचे आ जाएगा. द वेलोसिटी वुड बी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो गया. अच्छा एंड देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द पार्टिकल वॉज हैविंग द कॉन्स्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन दैट इज 9.8 meter per second square. ये तीन इसके ग्राफ हुए. तो हम लोगों ने यहाँ पर सारी चीज़ें कवर कर ली है. वी हैव कवर्ड अबाउट द मोशन अंडर ग्रेविटी, वी हैव कवर्ड अबाउट द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द मोशन कि हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट वेन एवर द पार्टिकल इज मूविंग विद द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन हाउ इट इज गोना बी लाइक, है ना. तो अपना यहाँ पे ये पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ. हम लोग इसी के क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए और आपको ध्यान में रहे कि हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है. इसके बाद में जब मोशन इन द प्लेन में पढ़ाऊंगा तो मोशन इन द प्लेन में द एंटायर मोशन अंडर ग्रेविटी विल बी हेल्पफुल. पूरे चैप्टर के अंदर आपको कहीं पर भी लगेगा नहीं कि आप कुछ नया चीज़ पढ़ रहे हो, इट विल बी द सेम दैट वी हैव बीन लर्निंग टिल दिस पॉइंट. ओके,
सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो कि एक बिल्डिंग ऐसे दी हुई है, इस बिल्डिंग की हाइट मान लो कुछ लगभग 400 मीटर, यहाँ से आपने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी वॉज जीरो, आपने बॉल को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद में बोला गया कि पहला वाला जो ड्रॉ करना है वो फिर से क्या है, एक्स टी ग्राफ, सेकेंड वाला जो करना है फिर से क्या है, वी टी ग्राफ, और थर्ड वाला फिर से कौन सा करना है आपको, ए टी ग्राफ, एक्स टी, वी टी और ए टी आपको निकालने हैं। तो एक बार आप खुद से स्क्रीन पॉज करो, खुद से सोचो कि बॉल को जब ड्रॉप किया तो बॉल के ड्रॉप करते वक्त बॉल की इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो, इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज जीरो देन व्हाट विल बी द फंक्शन दैट द बॉल इज कमिंग डाउन। इनिशियल वेलोसिटी बॉल की जीरो है, सोचो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की जीरो है। अब यदि इनिशियल वेलोसिटी बॉल की जीरो होगी तो मैं सॉल्व करता हूँ, आई होप सॉल्व कर लिया होगा। पहला वी इज इक्वल्स टू, सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। इधर आप जी को पॉजिटिव मान लो या नेगेटिव मान लो आपके ऊपर है, मैं बोलता हूँ कि नीचे यदि पार्टिकल आ रहा है तो जी की वैल्यू मैं मानूंगा प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर बराबर जीरो स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 400, तो मेरे लिए वी कितना आ गया, 4,000 दैट इज रूट ओवर 8,000 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी हो गई 8,000 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जी की वैल्यू पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी बड़ी है ना। फिर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, कितने टाइम में पार्टिकल ने 400 मीटर को कवर कर लिया। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट 400, इट इज हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये हुआ 5, दिस इज गोना बी 8, सो दिस टी स्क्वायर इज कमिंग एज 80, सो द वैल्यू ऑफ टी इज कमिंग एज रूट ऑफ 80 सेकेंड्स। आई थिंक मैंने कल सवाल आपको करवाए थे, पर मैं कंबाइन करवा रहा हूँ दोनों चीज़ों को, ये आखिरी एग्जांपल मेरा होगा अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी, इसके बाद में हम कुछ और अलग वेरिएशन देखेंगे। सो रूट 80 हो गया, टाइम मालूम पड़ गया, वेलोसिटी मालूम पड़ गया, तो निकाल सकते हैं। अब यदि मैं पहला वाला ग्राफ ड्रॉ करने जाऊँ विच इज एक्स टी ग्राफ, ऊपर वाला पॉइंट यदि मैं पॉजिटिव मानता हूँ मतलब पार्टिकल 400 मीटर से नीचे आ रहा होगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यदि पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो कैसे ग्राफ मानूँ, पानी भरता है पानी डुलता, तो पानी भरता हुआ पैराबोला मतलब ऐसे ग्राफ आ जाएगा, पानी भरता हुआ पैराबोला। एक्स टी को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सेकेंड वाला ग्राफ अबाउट वी टी, यदि हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी 8,000 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो ये आ गया आपका रूट ओवर 8,000 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से चलते चलते ऊपर चले गया। तीसरा ग्राफ जो आएगा वो आपका आएगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, जो कि कांस्टेंट था कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये आपके सारे आंसर्स हो गए, आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, आपने पैरामीटर भी सॉल्व कर लिए और आपका आंसर्स भी आ गए, है ना। स्क्रीन पॉज करो, लिखो एक बार, कुछ अलग अलग वेरिएशन देखते हैं एक दो और, देन विल मूव फॉरवर्ड विद दिस। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो 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 तीसरा ग्राफ देखते हैं। ग्राफ तो हो गया, अभी समझ में आ गया आप लोगों को, आई गेस कि आप लोगों को समझ में आ चुका है कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा अप्रोच समझा देता हूँ जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वी गोना कॉल दिस एज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है इट इज बीन यूज्ड अप टू डिक्रीज द लेवल ऑफ क्वेश्चन, टू डिक्रीज द लेवल ऑफ क्वेश्चन, टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन इन ग्रेटर डेप्थ, जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए और जल्दी जल्दी समझाने के लिए हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करते हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है यदि हम लोग उसके बारे में बात करें, सो इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अनादर पर्सन। मान लो कि दो लोग हैं, दे आर गोइंग पैरेलल, ऐसे पैरेलल जा रहे हैं, तो आपस में दोनों क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, बट फॉर सम अदर पर्सन दे माइट बी इन मोशन,
So when we are saying about the relative velocity, it is velocity of a person or any object with respect to some other surrounding. अभी क्या मैं बोल सकता हूँ कि फिलहाल मैं मोशन में हूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ ना फिलहाल, आई एम कंफर्टेबली सिटिंग ऑन दिस टेबल, बट आई कैन अगेन से दैट आई एम इन मोशन. नाउ हाउ कैन आई से दैट आई एम इन मोशन, मैं कैसे बोल पाऊँगा कि मैं मोशन में हूँ. मैं मोशन में इसलिए हूँ क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ भी गोल घूम रही है, तो मैं इस नेचर के सराउंडिंग्स जो है, जो दीवार है, जो बोर्ड है, ये जो ब्रैक रूम होगा, इस रूम के लिए मैं रेस्ट पे हूँ. फॉर दिस पर्टिकुलर रूम आई एम एट रेस्ट, बट ये रूम के लिए मैं सिर्फ रेस्ट पे हूँ, बट रूम के अलावा व्हाट अबाउट अदर थिंग्स. रूम के अलावा जब आप ऊपर से मुझे देखोगे फ्रॉम अन सर्टन हाइट अबव द अर्थ सर्फेस, सेटेलाइट से देखो, किसी और प्लैनेट से देखो, तो अर्थ तो गोल गोल घूम रही है. यदि अर्थ गोल गोल घूम रही है, इसका मतलब क्या होगा कि वी आर ऑल इन मोशन. आपको लग रहा है कि आप भी रेस्ट पे, ये कैमरा, ये ट्राइपॉड स्टैंड, ये लाइट, पंखे, सब घूम रहे हैं, बट हमारी स्पीड और इस रूम की दीवार की स्पीड कांस्टेंट है. आप जिस रूम में उसकी बात कर रहा हूँ, जो मैं रूम में उसकी बात कर रहा हूँ, और जो सराउंडिंग है, इन सब की स्पीड कांस्टेंट है. यदि सबकी स्पीड कांस्टेंट है, तो हमको क्या लगता है कि हम दोनों, हम लोग रेस्ट में हैं, जबकि हम लोग रेस्ट में नहीं हैं, वी आर इन मोशन. सो मोशन की जब हम लोग बात करें, तो मोशन सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब नहीं है कि द पार्टिकल इज बीन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और पॉइंट ए बी टू पॉइंट ए. इसका मतलब यह होगा कि मोशन कैसे हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पार्टिकल घूम कैसे रहा है, इसको हम लोग मोशन कहते हैं. अच्छा सर, समझ में आया कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पार्टिकल कैसे घूमेगा, उसको हम लोग मोशन कहेंगे. ओके, तो अब मोशन के बारे में समझते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या. एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको मैं, आप धीरे धीरे कुछ समझ जाओगे. मान लो ऐसे कि कोई एक रेलवे पटरी है, एक कोई रोड है, देयर इज अ रोड गिवन टू यू. यहां पर हमारा श्याम खड़ा है बेचारा, नॉर्मली देख रहा है किसी को. एक बस के अंदर, और स्कूल बस के अंदर या कॉलेज बस के अंदर, जो भी बस आप मान लो, इस बस के अंदर यहां पर कौन बैठी है, नाम किसी का यदि गलती से मिक्स कर जाएगा, तो भाई चिंता मत करना, आपका नाम नहीं ले रहा हूँ. आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, आई डोंट नो योर नेम इवन राइट नाउ, सो डोंट बी इनटू दैट अजम्पशन कि सर को आपका नाम पता है, सर आपके आपकी मजाक उड़ा रहे हैं. मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ऐसी जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ. यहाँ पे शाम, यहाँ पे राधा, और यहाँ पे हमारे एक भाई साहब थे जिनका नाम क्या था, राम. अब क्या हुआ, सोचो उस दिन अपने आपको यदि याद होगा, तो श्याम भाई साहब कॉलेज गए थे राधा से मिलने के लिए, है ना. श्याम भाई साहब कॉलेज जाकर राधा से मिल के आए थे. अब यहाँ पर क्या होगा कि सपोज राम ने राधा को देखा, राधा ने राम को देखा, राम को राधा पसंद आ गई. सोचना, राम और राधा एक ही बस के अंदर है, राम ने राधा को देखा, राधा ने राम को देखा, पर राम को राधा पसंद आ गई, और राम गर्लफ्रेंड है श्याम की. क्या होगा सोचो, राम को राधा पसंद आई, राम जाके अप्रोच करने वाला है बात करने की, दोस्ती करने के लिए, पर शाम को ये बात पसंद नहीं आई. तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि वो जो बस थी, वो बस मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. बस तो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, बट क्या राम के लिए राधा रेस्ट पर है? हाँ, क्योंकि एक ही बस के अंदर है ना दोनों. यदि बस के अंदर एक ही मोशन में मूव कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पर हो जाएगा. तो क्या हुआ कि राम राधा की तरफ बढ़ना शुरू करता है विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड. राम बोलता है कि मैं जाके बात करूंगा, दोस्ती नंबर नंबर जो भी लेना लूंगा. तो राम बढ़ा आगे, राम आगे बढ़ा, राधा के पास गया, बढ़ना चाहता था. शाम को बात पसंद नहीं आई, शाम ने रोड पे भागना शुरू किया विद द वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकंड. सवाल मेरा आपके पहले लिए ये था कि भैया बताओ कि पहले कौन पहुंचेगा, पहले राम पहुंचेगा कि पहले शाम पहुंचेगा. शाम को तो राम को कूटना है, श्याम भाई साहब जो है उनको तो राम को कूटना है सीधा, कि ऐसे कैसे हिम्मत कर ली उन्होंने. बट ठीक है, चलो देखते हैं कि राधा के पास पहले कौन बचेगा, राधा के पहले कौन बचा सकता है. तो अब हम लोग लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, राइट, वी रिलेटिव, हम लोग इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन. मैं अगर लिखूं वेलोसिटी ऑफ राधा With respect to Ram, मतलब क्या होगा, velocity of Radha minus velocity of Ram. Ram के लिए राधा तो रेस्ट पे थी, राम के लिए राधा क्या थी, रेस्ट पे. सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ राधा राम, सो हमने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ राधा माइनस वेलोसिटी ऑफ राम, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी ऑफ राधा माइनस वेलोसिटी ऑफ राम. अब एक बात बताओ, क्या राधा रेस्ट पे है,
शाम के लिए राधा तो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, पर राम के लिए राधा कैसे होगी, रेस्ट पे होगी। सो वेलोसिटी ऑफ राधा विद रिस्पेक्ट टू राम इज 0, माइनस वेलोसिटी ऑफ राम इज कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड, सो आंसर इज -1 मीटर पर सेकंड, है ना। अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ राधा विथ रिस्पेक्ट टू श्याम, श्याम के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी निकलेगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको फिर से, वेलोसिटी ऑफ राधा माइनस वेलोसिटी ऑफ श्याम भाई साहब जो कि उनके प्रियसी थे। सो राधा श्याम के लिए चल रही है कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से, और श्याम कितने से भाग रहा है, 14 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, -4 मीटर पर सेकंड। तो आप यदि कंपेयर करोगे तो राधा राम से -1 मीटर पर सेकंड से भाग रही है और श्याम से -4 मीटर पर सेकंड से, तो श्याम भाई साहब पहले पहुंच जाएंगे। यदि मैं उल्टा लिख देता वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू राधा और वेलोसिटी ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू राधा, तो क्या लिखना पड़ता, वेलोसिटी ऑफ राम माइनस वेलोसिटी ऑफ राधा, वेलोसिटी ऑफ श्याम माइनस वेलोसिटी ऑफ राधा, तो ये आपका आता 1 मीटर पर सेकंड, वो आता आपका 4 मीटर पर सेकंड। तो आपको ऐसे प्रतीत होता होगा कि राम भाई साहब पहले पहुंचेंगे, पर राम भाई साहब पहुंचने वाले नहीं है, पहले कौन पहुंचेंगे, श्याम भाई साहब, बिकॉज श्याम की वेलोसिटी राधा के रिस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकंड है और राम की वेलोसिटी राधा के रिस्पेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड है। तो श्याम भाई साहब पहले पहुंच जाएंगे और पहले कूट देंगे राम भाई साहब को, है ना। अच्छा यदि मैं बोलता आपको बताओ भाई साहब वेलोसिटी ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू राम, वेलोसिटी ऑफ राम विद, वेलोसिटी ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू राम, तो मैं क्या लिखूं, वेलोसिटी ऑफ श्याम माइनस वेलोसिटी ऑफ राम, श्याम की वेलोसिटी माइनस राम की वेलोसिटी, श्याम की वेलोसिटी कितनी होगी 14, राम की वेलोसिटी कितनी है श्याम के रिस्पेक्ट में, राम की वेलोसिटी कितनी है, तो 1 प्लस 10, बिकॉज राम जिस बस में था वो बस भी तो मूव कर रही थी, तो कितना आएगा 11, तो इट इज 11, सो द आंसर इज 3 मीटर पर सेकेंड। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी समझा दूंगा कि एग्जैक्टली लिखते कैसे हम लोग और समझते कैसे हैं, बट क्या मुझे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ में आया है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, सो व्हेन यू कंपेयर वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, इट इज व्हाट वी कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपके दुनिया में इसलिए लाया गया है ताकि आपके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई हम लोग कर सके, है ना। तो स्क्रीन पॉज करके एक बार एक एग्जांपल लिख लो, मैं एक बार आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझा देता हूं ताकि आपको काम आ जाएगी वो, कि हम लोग बेसिक बेसिक चर्चा कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज द बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस टू फाइंड आउट द बेसिक आंसर्स। मैं बेसिक बेसिक बहुत बोल रहा हूँ कि बेसिक बेसिक, ये बेसिक बेसिक क्या है, ये बेसिक बेसिक। चलो पहला, इफ टू ऑब्जेक्ट्स, यदि दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सेम डायरेक्शन पर, मतलब मान लो कि एक कोई ऑब्जेक्ट ए है ये ट्रेवल कर रहा है वेलोसिटी वी ए से, एक कोई ऑब्जेक्ट बी है जो ट्रेवल कर रहा है वेलोसिटी वी बी से, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। रिलेटिव वेलोसिटी यदि सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, माइनस। इसका मतलब क्या था कि मैं बी पर बैठ करके ए को देख रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब यह है कि मैं बी पर बैठ करके ए को देख रहा हूं कि व्हाट इज हैपनिंग विथ ए व्हेन आई एम ऑन बी। सेकेंड केस में इफ आई से दैट इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस, if the two trucks or two cars or whatever may be, if the two persons are been moving in this opposite direction, if they are moving in the opposite direction, how are we going to find out the relative velocity? Suppose a object tha jo chal raha tha aage with velocity va, ek object tha b jo chal raha tha piche with velocity vb, to jab main inka relative velocity likhunga, velocity of a with respect to b, to I will write velocity of a प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। ध्यान रखना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बहुत काम आने वाला है, इफ वी आर कंपेयरिंग द टू वेलोसिटीज, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी,
तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग कंपैरिजन वाइज लिख रहे हैं यहाँ पर। कंपैरिजन वाइज मतलब कैसे लिख रहे हैं हम लोग कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बी। इफ बोथ ऑफ देम आर बीन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो वो क्या होगा, माइनस। इफ बोथ ऑफ देम आर बीन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन तो वो क्या होगा, प्लस। सेम डायरेक्शन हो तो माइनस करो, अपोजिट डायरेक्शन हो तो उसको प्लस करो। एक बार लिख लो, नोट बना के लिख लेना है ताकि आपको एग्जाम्पल में दिक्कत ना हो, एग्जाम्पल लेने वाले हम लोग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देन वी टॉक अबाउट फ्यू गुड एग्जाम्पल्स एंड देन वी सबमिट अप द रिलेटिव द मोशन इन वन डायमेंशन। अभी तक हम लोग जो चर्चा कर रहे थे ये मोशन इन वन डायमेंशन की चर्चा थी। पार्टिकल एक ही डायमेंशन में एक ही एक्सिस पर चल रहा था, आइदर द पार्टिकल इज मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन और द पार्टिकल इज मूविंग इन वाई डायरेक्शन। अभी तक प्लेन के बारे में बात नहीं की है। ओके चलो एग्जाम्पल, मान लो कि ऐसे रोड है, दोनों एक डिस्टेंस डी दूरी पर दो कार थी, एक कार ये है आपकी और एक कार आपकी ये है। ये कार चल रही है वेलोसिटी वी ए से, कार ए, और ये कार बी चल रही है वेलोसिटी वी बी से। ए कार की वेलोसिटी वी ए, बी कार की वेलोसिटी वी बी। दोनों ड्राइवर ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने सोचा कि एक्सीडेंट होने वाला, दोनों ने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते बराबर इनका जो एक्सेलरेशन आया, रिटार्डेशन, डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, मतलब क्या आया, डी एक्सेलरेशन। सो डी एक्सेलरेशन कितना आया, ए ए और ए बी। सो वी गॉट डी एक्सेलरेशन ए ए एंड ए बी। और पूछा हमको सवाल में यही था कि फाइंड आउट वेदर देयर विल बी कोलिजन और नॉट, वेदर बी कोलिजन और नॉट। तो कोलिजन होगा या नहीं होगा हमको वो निकालना था कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ए से चल रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी से चल रहा है। सो वी ए और वी बी हमको दिया हुआ है। हम लोग नॉर्मली क्या करते थे ना, हम लोग इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लेते थे। सबसे पहली बात कि इन दोनों के बीच में कोलिजन कब होगा। कोलिजन होने के लिए दोनों का डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा, यदि वो डी से ज़्यादा है, इफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोथ ऑफ देम इज मोर देन डी, देन सर्टनली क्या होगा, कोलिजन होने ही वाला है, टक्कर होने वाली है। तो हमको कैसे पता चलेगा, हम लोग साथ में कैसे यूज करें। तो आप लोग पहले क्या करोगे, पहले सबसे पहले यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, द इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, एंड देन यू सिंप्लीफाई। बट मुझे वो नहीं करना, मुझे क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करना है। आप लोग अपने हिसाब से करके देख लो, आई विल ट्राई ऑन माई ओन। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ए रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी। मैं दोनों के बारे में लिख देता हूँ। मुझे सर ने ये बताया था कि जब जब पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव करनी है, अपोजिट में चलेंगे तो पॉजिटिव करनी है। तो ए वाला जा रहा है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, बी वाला जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, दोनों की वेलोसिटी अपोजिट है, तो मेरे लिए वी रिलेटिव क्या आ गया, वी ए प्लस वी बी। मतलब मेरे लिए वेलोसिटी क्या आ गया, वी ए प्लस वी बी। एक्सेलरेशन रिलेटिव देखते हैं तो क्या होगा, भाई साहब ये पीछे वो उधर, दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट, तो एक्सेलरेशन रिलेटिव भी क्या आ गया, ए ए प्लस ए बी। सो हमको एक्सेलरेशन रिलेटिव भी मिल गया, हमको वेलोसिटी रिलेटिव भी मिल गया। ओके सर, अब ब्रेक लगाने के बाद में जैसे ही हमारा ये जो था दोनों, ये दोनों क्या थे हमारे, दिस टू वेयर यू आर कॉल्ड एज डी एक्सेलरेशन। सो डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि कुछ देर बाद में कार रुकने वाली है। If the car is gonna stop after some time, that means this velocity was nothing but initial velocity and the final velocity is supposed to be zero. If we are supposed to avoid the collision, यदि कोलिजन अवॉइड करना है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए आपकी, जीरो होनी चाहिए। तो आओ देखते हैं, जीरो जीरो, हाँ सर बढ़िया, ऐसा 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 लेके आए। चलो क्या लिखो बताओ अभी, v square is equals to u square plus twice of as, है ना। v square तो जीरो होगा, u square की वैल्यू मैंने कितनी लिख दी, v a plus v b का होल स्क्वायर माइनस 2a plus a b into d, the distance between them is d, है ना। माइनस टू के बिकॉज डी एक्सेलरेशन था, रिलेटिव से डी एक्सेलरेशन कोई संबंध नहीं है। रिलेटिव निकालने के लिए डी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का कोई संबंध नहीं है, हमारे लिए वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो प्लस,
इफ दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस, एज सिंपल एज दैट। बहुत बढ़िया। सो ये आ गया टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू डी मस्ट बी इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी का होल स्क्वायर। तो मेरे लिए डी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ रही, देखो वी ए प्लस वी बी का होल स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस ए बी। सो ये कितना आ रहा है, वी ए प्लस वी बी का होल स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ ए ए प्लस ए बी। तो जो आपका डिस्टेंस होगा, जो भी आपका डिस्टेंस डी होगा, इट इज सपोज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, देन देर विल नॉट बी ए कोलिजन। इफ उससे वो ज्यादा हो सकता है या फिर उससे वो कम हो गया तो कोलिजन जरूर होगा। इंडिविजुअली आप लोग क्या करोगे, आप जिन्होंने सॉल्व किया होगा जेन्युइनली, उन्होंने क्या किया होगा, दे हैव टेकन द इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वन। पहले का इक्वेशन लिया होगा, सेकंड का इक्वेशन लिया होगा, फिर दोनों को सोचा होगा, दोनों को डिस्टेंस, इसका डिस्प्लेसमेंट s1 निकाला होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट s2 निकाला होगा, दोनों को ऐड किया होगा। इफ दैट डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन d देन देयर विल नॉट बी कोलिजन, इफ दैट डिस्प्लेसमेंट इज मोर देन d देन देयर इज कोलिजन। तो हमको ये सब माथापच्ची में पढ़ना नहीं है, हमको रिलेटिव वेलोसिटी का उपयोग करके हमको सिंपल सिंपल बताना है कि एग्जैक्टली आंसर्स कैसे आएंगे। सो ये बहुत सिंपल अप्रोच हो गया, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। सो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए व्हेन वी आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन तो वो क्या होगा, माइनस, अपोजिट में क्या होगा, प्लस। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या चर्चा कर ली, दिस इज व्हाट वी कंक्लूड मोशन इन अ प्लेन और इन अ लाइन। हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से, हम लोगों ने बात किया स्पीड एंड वेलोसिटी पे, हम लोगों ने बात किया एक्सेलरेशन पे, हम लोगों ने बात किया पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हम लोगों ने बात किया पार्टिकल ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, और उन सभी के हम लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। एंड वी कंक्लूडेड दैट इन एंटायर इक्वेशन वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ फोर्स वाज एग्जैक्टली एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दैट द पार्टिकल इज बीन मूविंग आइदर इन द एक्स एक्सिस और इन द वाई एक्सिस, दैट्स इट। उसके अलावा हमने कोई चर्चा की ही नहीं, हमने सिर्फ इतना सोचा था कि पार्टिकल एक तो एक्स में चलेगा, एक तो पार्टिकल आपका वाई में चलेगा। उसके अलावा हमने कोई भी चर्चा किसी प्रकार का कहीं पर भी टच नहीं किया है। एंड एट द सेम टाइम वी ओनली टॉक्ड अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। यदि कॉन्स्टेंट होगा तभी मैं ये इक्वेशन जो हमारे बने थे तीन वो हम लोग यूज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब सवाल बनाने वाले के लिए मैं 100 सवाल बना दूं, अलग अलग क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने मिलेंगे ही। सो पेपर में क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आ सकते हैं, कैसे डाल सकता हूँ, मतलब क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं होगी मेरे लिए। बिकॉज मुझे मेरे बेसिक कंसेप्ट पता है, मैं स्पाइडरमैन लगा सकता हूँ, मैं बैटमैन लगा सकता हूँ, मैं थॉर लगा सकता हूँ, मैं वंडर वुमन लगा सकता हूँ, मैं ब्लैक पैंथर लगा सकता हूँ, मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, बिकॉज मुझे क्वेश्चन बनाते आते हैं, मुझे पता है क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ना। तो अब सपोज मैं आपसे कह रहा एग्जाम्पल पूछूँ कि भैया सपोज नल है आपके पास, नल कैसे बन गई, नल ऐसे नहीं रहता ना, कैसे रहता है, ऐसा नल है जो कि ग्राउंड के ऊपर कहीं रखा हुआ होगा। इसने ये बोला कि एक सेकंड में एक बूंद गिरती है, हर सेकंड में एक बूंद गिरेगी। तो पहली बूंद यहां पर है, द फर्स्ट ड्रॉप इज ओवर हियर, दिस इज द सेकंड ड्रॉप, दिस इज द थर्ड ड्रॉप, एंड फोर्थ ड्रॉप इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ द टैप। चौथी वाली ड्रॉप क्या है, वो जस्ट टैप के आउटसाइड आ रही है, और बोला गया कि जब वो गिर रही होगी तो बताओ सेकंड और थर्ड ड्रॉप के बीच में है आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा सेकंड ड्रॉप और फर्स्ट ड्रॉप के बीच में कितना होगा। आप सोच लो कि सपोज यदि पहले सेकंड पे ड्रॉप निकली होगी तो ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फोर्थ ड्रॉप निकल रही है ना, तो फोर्थ ड्रॉप जब निकली तो उसके लिए कितना हुआ, ये जीरो सेकंड, ये कितनी ड्रॉप चल गई, एक सेकंड चली है, ये कितना चल गई, दो सेकंड, और ये कितना चल गई, तीन सेकंड। सोचना चौथी ड्रॉप जस्ट बाहर निकली थी, मतलब चौथी ड्रॉप ने डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है, चौथी ड्रॉप जस्ट बाहर निकली थी तो उसके लिए जो टाइम लगा वो कितना लगा, वो जीरो सेकंड पे है। थर्ड ड्रॉप को एक सेकंड हो गया बिकॉज एक सेकंड बाद में एक बूंद गिरती है, सेकंड ड्रॉप ने दो सेकंड कवर कर लिया और तीन फर्स्ट ड्रॉप ने तीन सेकंड कवर कर लिए, तो सेकंड ड्रॉप के लिए हमको टाइम मिल गया, ये टाइम मिल गया। तो वी कैन यूज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट फॉर द सेकंड ड्रॉप फ्रॉम दिस पॉइंट, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकलेगा सेकंड ड्रॉप के लिए कितना, जीरो प्लस हाफ इंटू टेन इंटू कितना चलिए वो टू सेकंड, मतलब फोर
मतलब सेकेंड ड्रॉप ने डिस्प्लेसमेंट कवर कितना कर लिया टैप से 20 मीटर्स। यदि आप S3 निकालने जाओगे तो 0 + 1/2 × 10 × 1 मतलब S3 कितना चली 5 मीटर। सेकेंड ड्रॉप का जो डिस्प्लेसमेंट था टैप से लेके यहाँ तक वो कितना आ गया 20 मीटर, और पहले थर्ड ड्रॉप का डिस्टेंस कितना आ गया 5 मीटर, मतलब दोनों के बीच की जो अंतर था वो कितना हो गया 15 मीटर। दैट इज द आंसर। तो क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लाखों क्वेश्चन बना सकता हूँ, बट यदि आपको बेसिक फंडामेंटल्स बेसिक फंक्शनलिटीज पता है तो आपको कहीं पर भी तकलीफ नहीं होगी एंड यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो हियर आई एम कंक्लूडिंग दैट वी हैव कंप्लीटेड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर कंप्लीट पूरा हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स आई थिंक ऑन मंडे वी गोना स्टार्ट विद मोशन इन अ प्लेन। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।